हेल्थ, ब्यूटी और प्रोडक्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये दाद खुजली के बारे में बताने वाला हूँ कि कई कई लोगों को ऐसे दाग धब्बे मतलब खुजली आती है, तो इसको इसका उपाय बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये एक नई नई तरह की एक क्रीम है, ये है नियोजेंटा। तो इस क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ, ये KLM लेबोरेटरीज में तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, इस क्रीम के बारे में मैं आज अच्छी तरह से बताने वाला हूँ क्या क्या यूज होता है। ये अच्छी तरह से क्रीम है और KLM नियोजेंटा MF क्रीम, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखो क्योंकि आपको ये इस्तेमाल करने के लिए इजी जाएगा और मेडिकल में अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों, इस क्रीम का यूज़ करने के लिए आप मतलब बच्चे के हाथ में मत दो, ये एक्सटर्नल यूज है। ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में गया तो ये मतलब धोखा हो जाता है। एसिड, ये एक एसिडिक क्रीम है और ये कब यूज करने का, ये नहाने नहाने के वक्त आप साबुन से हाथ मत धोए, मतलब नहाते वक्त साबुन से हाथ धोया तो मतलब वो जिस जगह पर आपको ये दाद खुजली हो रही है उस जगह पर आप साबुन ना लगाइए और सिर्फ ये क्रीम उधर ही लगाइए। मतलब साबुन लगाया तो मतलब अलग इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों सिर्फ ये क्रीम का यूज करने का। शाम को सोते वक्त 7 दिन, पूरे के पूरे 7 दिन आप यूज करोगे तो ये आपका एकदम पूरी तरह से स्किन निकल जाएगा, स्किन के ऊपर जो धब्बा भी नहीं रहेगा, ऐसा मतलब उपायकारक क्रीम है। तो दोस्तों, ये डेली यूज करने का, रेगुलर यूज करने का, 2 दिन 3 दिन करने के बाद छोड़ देने का नहीं, क्योंकि 5 6 दिन के बाद और आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, रेगुलर यूज करने का, ये 20 ग्राम का रहता है, ये 7 दिन यूज करने के लिए अच्छा रहता है। हमें और ये क्रीम एंटी फंगल है। तो दोस्तों, हमारे हमारे इस ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और आपको हमारा डेली 1 7 बजे एक वीडियो आ जाता है, शाम को 4 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये डेली अपडेट रहेगा और अलग अलग क्रीम के बारे में हम बताने वाले हैं, नहीं तो मेडिसिन के बारे में आपको जो भी होता होगा उसके बारे में नए नए हम बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हेल्थ और ब्यूटी के बारे में और अलग अलग हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अलग अलग हमारे पास सब प्रोडक्ट आ जाते हैं, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपके पास आ जाए।